चैनल आज अपने को है ना, मतलब आज मेरे को दिन बहुत ऐसा बहुत पॉजिटिव लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा एनर्जी एकदम नेक्स्ट लेवल की आ रही है। और कुछ मूवमेंट्स कल परसों ऐसे हुए जो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, मतलब मैं पागल हो गया वो मूवमेंट्स के लिए। मतलब देयर वाज दिस वन मूवमेंट वेयर आई एम यू नो जस्ट रैंडमली स्पीकिंग टू सम पीपल हु केम इन टू माई कैफ़े, और जब मैं बात वगैरह कर रहा हूँ फिर पूरा बात वगैरह होने के बाद वो दो लड़कियाँ थे, तो फिर एक ने एकदम से बोला कि कनाल शी इज़ ए वेरी बिग फैन ऑफ योर्स। बोला ओ माई गॉड, मतलब ये मोमेंट अपने लिए एकदम यादगार मोमेंट है। मतलब मेरे को पहले भी ऐसे किसी ने बोला हुआ है कि यू हैव इंस्पायर्ड अस और ऐसा वैसा, लेकिन ये जब किसी ने मेरे को बोला ना कि आई एम अ वेरी बिग फैन, तो मैं ऐसा पागल हो गया। मैं बोला अब यार हाउ शुड आई रिएक्ट, वॉट शुड आई टेल, और मैं क्या करूँ इस मोमेंट पर। एंड आई रियली फेल्ट सो गुड, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू एंड दिस रियली मीन्स अ लॉट। फिर जैसे मैंने कल के ब्लॉग में बताया कि मैं कुछ तीन लोगों से मिला था जो बेलगम से थे, और एक जो बीजापुर से ही था, तो वो एक चार लोगों का ग्रुप था, तो उनसे भी बात करके बहुत मज़ा आया। आई एंड दैट वॉज द मैक्सिमम टाइम आई स्पोक टू यू नो समबडी हु केम इन टू माई कैफ़े। मतलब मैं उनसे ऑलमोस्ट एक दो ढाई घंटा बात किया, तो फिर उनसे बात करने में बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मतलब मेरे को आई एक्चुअली फील्ड सो गुड स्पीकिंग अबाउट लाइफ एंड स्पीकिंग अबाउट वर्क एंड थिंग्स लाइक दैट। सो मतलब ऐसा जब कुछ होता है ना, तो तुमको ऐसा दिल से इतना अच्छा लगता है ना कि यार हाँ यार तुमने कुछ तो ऐसा किया है जो लोगों को अच्छा लग रहा है और तुम करते रहो। सो थैंक यू सो मच गाइस। ऐसा जब तुम फिर कल तो मैं अपनी एक कज़न सिस्टर को भी मिला, तो उसने भी बोला कि मैं तेरी व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ, तू बहुत अच्छा कर रहा है ऐसा वैसा। तो वेन एवर यू नो सी, इसमें एक मैं तुमको बिजनेस टिप देता हूँ, अप्रीशिएशन, हाँ क्या है वो था एक लाइन है, अ वर्क अप्रीशिएटेड गेट्स रिपीटेड। मतलब तुम अप्रीशिएट करोगे तो वो काम रिपीट होएगा। अप्रीशिएट एज मच एज यू कैन, बी ग्रेटफुल एज मच एज यू कैन, बिकॉज दैट विल हेल्प यू अ लॉट गाइस। अप्रीशिएट एंड बी ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, क्या अभी अपने को जाने का दिन चालू करने का है। चलो 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 पढ़ा। हाई गाइज व्हाट्स अप, आई मीन आई एम हैविंग सच ए नाइस डे टुडे। मैंने सुबह तुमको एक स्टोरी बोला कि मेरे साथ कल परसों कुछ हुआ, एंड नाउ आई जस्ट केम बैक टू द कैफे एंड आई वाज स्पीकिंग टू सम पीपल एंड आई मेट दिस वन गाय एंड ही वांटेड टू बी इन द व्लॉग एंड आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल टू थिंग्स दैट आर हैपनिंग। एंड व्हाट्स योर नेम? अरिहान। यू वॉच माई वीडियोज? यस। ऑल वीडियोज? यस। लाइक करता है कि नहीं? करता। बस दैट्स इट गाइस। We spoke for a good amount of time, and he is still in 9th, but such a sweet guy. He was busy having waffles. मैं जो बात कर रहा था उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, ही वॉज जस्ट बिजी हैविंग वॉफल्स, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट, जो तुम्हें पसंद है वो करो। ऑलराइट, बट यू गाइस ऑल्सो वॉन्ट टू कम इन द ब्लॉग? I met so many people, and this just feels good. Okay, we all take a selfie like this. Perfect. All right, and that's how we take a selfie. But this is just so good, guys. Agar aisa matlab it feels good. Guys, main maa kasam bolta hai. Aaj ka din to jo mashallah wah, aisa bhari ja raha hai na mere ko. Matlab itne logon ko milne ka mauka mila, aur matlab aisa koi selfie lene aaya apne saath, koi apne ko bola ki big fan, koi apne ko messages to aaj itne sare aaye. Pata nahi aaj hai kya, lekin itne sare message over kyun aa rahe aur kya chal raha hai. But ये इंसान मेरा व्लॉग हमेशा उसकी उस इंसान की शक्ल दिखाना ज़रूरी है। ये तेरी शक्ल दिखा, ये हर व्लॉग मेरे को इंटरप्ट करने वाला ही अकेला एक ही इंसान है। बट ठीक है, एनी वेज, बट इट वॉज अ वेरी वेरी नाइस डे। मतलब ऐसा बहुत सारे लोगों को अपने को बात करने का मौका मिला, अपन अलग अलग चीज़ के बारे में बात की है, और अलग अलग चीज़ें पता चली कि किसके लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। फिर और क्या क्या आज मैंने दिन में, आज फिर और एक नया मस्त एक सैंडविच बनाया शेफ़ ने, तो वो खा के तो एकदम फटे मज़े आ गए। और तो मतलब ऐसा इतना मज़ा आया ना, मैंने सुबह भी बोला था अप्रीसिएशन इज़ समथिंग दैट्स रियली नाइस एंड दैट हेल्प्स अ लॉट। तो धन्यवाद।